नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और मैं केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पद पर काम कर रहा हूं। और जैसा कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला, जो जानते हैं और कमेंट्स भी आए हैं कई सारे पिछली वीडियोस पर, कि हम लोग बच्चों की ऑनलाइन टेस्ट कैसे लें, क्विज़ कैसे कंडक्ट करें, बच्चों से कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो तो हम कैसे लें। तो उसके लिए आज मैं आपके सामने एक बढ़िया टूल बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पर, तो सोचा मैं भी बना दूँ। और कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कई लोगों ने सजेशन दिया, तो उनको फॉलो करते हुए तो मैं आज बना रहा हूँ ये एक वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, क्विजेज क्रिएट करेंगे। और ये हम लोग आज देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मोबाइल के थ्रू गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करें मोबाइल पर। अभी इसकी ऐप नहीं है, तो वो मेरा अगला वीडियो रहेगा। और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी जो क्विज़ है, जो आज हम लोग जो सेशन लेंगे, इस क्विज़ का अगर मुझे सर्टिफिकेट देना हो तो ये वीडियो भी मैं आपको बनाकर दूंगा। तो पहले सिर्फ आज इस वीडियो में हम इतना कवर करेंगे कि किस प्रकार से हम गूगल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, क्विज़ वगैरह बच्चों से हम तैयार करवा सकते, बच्चों से हम लोग ले सकते हैं। हम यहाँ से टेस्ट या क्विज़ बनाकर बच्चों को भेजेंगे, बच्चे उसको रिस्पॉन्स देंगे और उन्हें हम लोग अपने इस कंप्यूटर के माध्यम से उनके रिस्पॉन्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग क्विज़ बनाते हैं या गूगल फॉर्म की मदद से हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जी सूट के बहुत सारे ये आपके टूल्स हैं। इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है डॉक्स। इस डॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको आप एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा, docs.google.com। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट में टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं, कुछ जो मैं डॉक्स अभी तक यूज़ कर चुका हूँ या किसी ने मुझे शेयर किए हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ आप देखेंगे कि मेन मेन्यू में जाएंगे, आप मेन मेन्यू में जाके आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है फॉर्म्स का, जिसमें कुछ आपको टेम्पलेट्स दे रखे हैं। एक फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था अपने केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी के लिए, फीडबैक लेने के लिए, पेरेंट्स से पूछने के लिए कि स्कूल के ओपनिंग के समय आप बच्चों के साथ बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। तो इसके ये देखिए पूरा फॉर्म एक तैयार था कि बच्चों जो उनके पेरेंट्स से हम लोगों ने फॉर्म पूछे थे, हिंदी इंग्लिश हम किसी भी भाषा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लगभग हम लोगों को 403 रिस्पॉन्सेज प्राप्त हुए थे। मतलब अगर आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, तो इसके रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, इसके रिस्पॉन्स को बाकायदा पूरा एनालिसिस होकर आ जाता है। ये देखिए पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितने परसेंटेज आपका हाँ ना क्लास और ये सब कुछ आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके विजुअल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप इन रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये व्यू रिस्पॉन्स इन शीट्स करके है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स की अपनी एक पूरी शीट मिल जाएगी, जिसको आप प्रिंटिंग के लिए या अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसका भी पूरा का पूरा बायोडाटा टाइप का आपका सामने इस तरीके से शीट में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब हमें सीखना यह है कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करें, हाउ टू मेक आवर फॉर्म्स। और अब हम फॉर्म्स ही नहीं बल्कि हम ये देखेंगे कि हम उसको क्विज़ में कैसे कंडक्ट करें, क्योंकि हमारा मेन मोटो है बच्चों का टेस्ट लेना ऑनलाइन, क्योंकि इस समय वो स्कूल आ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्म्स में, ये फॉर्म्स में चले गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक नया ब्लैंक फॉर्म तैयार करेंगे, ब्लैंक फॉर्म, इस पर क्लिक करिए आप। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपका एक इंटरफेस आ गया सामने। ये आपको बोलेगा कि आप अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएगा, आपके फॉर्म क्रिएशन को स्पीड करने के लिए आप यहाँ से ही जा सकते हैं, और कुछ और नया होगा तो ये आपको तुरंत एक टिप टाइप की देगा। तो उसको मैंने फिलहाल क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर हमको ये, अगर मैं फॉर्म को ऐसे ही बनाते चला जाऊँ क्वेश्चन, तो ये क्या बनेगा, हमारा एक फॉर्म बन जाएगा जिसमें हम डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन हमें बनाना है हमारे टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन पेपर जिसमें आप आंसर सेट कर दें और वो आंसर्स बच्चों को ना दिखें, और जब भी बच्चे आंसर दें वो अपने आप से मैच करके आपको पूरा रिजल्ट आपको बनाकर दे दें।
तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल फॉर्म ना करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्विजीज करना पड़ेगा। हमको जनरल फॉर्म नहीं बनाना है, प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, वी जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अवर क्विजीज। यही हमारे टेस्ट के जैसे रहते हैं। इसको आप क्विज बना लीजिए और इसमें आप एक जो करेक्ट आंसर है वो रिस्पोंडेंट को दिखना नहीं चाहिए। उसके लिए आप ये ऑप्शन हटा दीजिए कि जो करेक्ट आंसर है वो रिस्पोंडेंट को ना दिखे। इसको हटा दिया आपने और बाकी का हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया, सेव कर दिया। अनटाइटल फॉर्म का नाम रखा, मान लीजिए आप क्लास 12th के लिए टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट में आप डाल दीजिए इस तरीके से, सब्जेक्ट मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CS, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये इस तरीके से डाल दिया। और डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिखना हो, अटेंड ऑल द क्वेश्चंस हियर, ठीक है। फिर आप जब भी कोई टेस्ट लेते हैं तो बच्चों से पहले उसका नाम, क्योंकि ये तो कोई भी आंसर दे देगा और जो भी आंसर देगा उसका भले ही आपके पास ईमेल पता पड़ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, आप ये चार चीज़ें उससे ले लीजिए उसकी इन्फॉर्मेशन के तौर पे। उसके बाद आप अपना क्विज़ बनाइए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अनटाइटल क्वेश्चन में यहाँ पर रखा नेम इन कैपिटल और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप बना हुआ है। इसमें हम आंसर की इसलिए नहीं सेट करेंगे क्योंकि इसका तो आंसर बच्चे को अपना नाम के रूप में देना है। इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे तो इसका मैंडेटरी हो जाएगा आंसर देना, ठीक है। इसके बाद स्पीड अप योर क्वेश्चन किया, सर ये कहीं और से फॉर्म लाने के लिए है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ये डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट में नेम इन कैपिटल की जगह हमने कर दिया इसका मोबाइल नंबर या रोल नंबर ले लीजिए। और शॉर्ट आंसर टाइप में ही रहने दीजिए, नंबर रहेगा आपका ये रिक्वायर्ड फील्ड, ये भी है, इसका भी आंसर नहीं वो करेंगे। इसको फिर से कॉपी कर लीजिए, रोल नंबर के बाद आप ले लीजिए मोबाइल, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। मोबाइल के बाद आप ले लीजिए ईमेल, ये भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये चार चीज़ों को हम लोग रखेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसके बाद हम एक नया सेक्शन बनाएंगे, यहां पर आप दे दीजिए टेस्ट और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो अब आप क्वेश्चंस यहां कर दीजिए और यहां पर आप दूसरा दे दीजिए ये अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन की जगह, क्योंकि यहां तो इन्फॉर्मेशन है ना। प्लीज फिल द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे करके एक मैसेज यहाँ पर छोड़ देते हैं ये, ताकि बच्चे समझ जाएंगे इसको देख के करेक्ट इन्फॉर्मेशन। टेस्ट के बाद अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखा हमने प्लस पे क्लिक किया ऐड क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से ऐड किया, क्वेश्चन दिया। मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर साइंस के लिए क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे दूँगा, हु डेवलप्ड पाइथन, क्वेश्चन दिया। मल्टीपल चॉइस का टाइप का बनाना है, कैसा बनाना है ये आपके ऊपर है। तो हमने ऑप्शन वन में दिया कुछ भी दे दिया, स्ट्रू स्टप है ना, एड एड ऑप्शन एक और दे दिया, बिल गेट्स एक और ऑप्शन दे दिया, काइडोवन रसूम और एक और क्वेश्चन दे दिया। हम चाहे तो यहाँ पर इनकी इमेजेस भी लगा सकते हैं, ये देखिए इमेज देख रहे हैं ना आप, हर क्वेश्चन के मतलब हर ऑप्शन के साथ आप इमेज लगा सकते हैं। अगर इनकी इमेज आपके पास अवेलेबल है आप इसको बहुत अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। और यहाँ पर दे दिया मैंने मान लीजिए किसी और का नाम दे दीजिए, यहाँ पर बी मनी। और इसके बाद हमने इसका
रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया कि इसका आंसर आपको देना ही है, और आंसर की हमने दे दिया यहाँ पर गाइडो वैन रूसम को, और इसके लिए पॉइंट कितने सेट कर दिए हमने, कहा कि अगर सही आंसर देता है तो एक पॉइंट या एक पॉइंट, और इसको डन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन एक ऐड। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू आपका हो जाएगा, मान लीजिए वाई लूप्स, क्वेश्चन आप बना लीजिए, मान लीजिए इफ स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कंडीशन, तो मल्टीपल चॉइस में मैंने दिया एक ऑप्शन आपका वन, दिया आपका यस और नो और डोंट नो, ठीक है, और इसके बाद हमने इसका आंसर की, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया और इसका आंसर की सेट कर दिया मैंने यस और डन कर दिया। तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछते जाइए। आप इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर, मतलब एक लाइन का अगर आपको आंसर है तो एक लाइन का, पैराग्राफ में है तो आप पैराग्राफ में दे दीजिए, इसके लिए आपको आंसर की सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, किसी भी तरीके के आप क्वेश्चंस यहां पर रेडी कर सकते हैं, है ना। तो इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा, जब आप एक क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे ना तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने इतना ही सिर्फ इसको रखा, क्योंकि वरना फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करूँगा। आप यहाँ पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर करके भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई एक वीडियो देकर भी उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज वाला क्वेश्चन रख ही देता हूँ क्वेश्चन में, लेकिन फिर मैं इमेज मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इमेज यहाँ से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गाइडो वन रूसम इमेज, ये इमेज ले ली मैंने गाइडो वन रूसम की, और इसको मैंने रख लिया सेव करके अपने पास। सेव इमेजेस, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही एक नया फोल्डर बना के, ये तो डाउनलोड्स में चला गया, डेस्कटॉप में करना था, न्यू फोल्डर यहाँ पर बनाकर इमेजेस रख के यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ गाइड वन रूसम। फिर मैं कोई और एक इमेज ले लेता हूँ, या चलिए एक इमेज काफ़ी है, मैं यहाँ पर आता हूँ अभी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया, हूज इमेज इज दिस, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया, मल्टीपल चॉइस में रखा, और यहाँ पर वही नाम आपके आ जाएंगे, ये ऑप्शन गाइडो वैन रूसम, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, बी मनी, और यहाँ से हम एक इमेज ऐड कर देंगे, और ये हम लाएंगे फोटोज से अपलोड, यहाँ से ब्राउज करेंगे डेस्कटॉप पर, इमेजेस में मैंने ये सेट करके रखी है, ये देखिए ये अपलोड हो गई आपकी इमेज, ये आपको, सॉरी ये मैंने पहले क्वेश्चन वो कर दिया, इसको आप यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, चलिए यहाँ पर इमेज डालनी थी, ये ब्राउज, ये देखिए ये हूज इमेज इज दिस, ये यहाँ से इमेज डालनी थी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ये देखिए, है ना।
तो अभी इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हुज इमेज इज दिस। वीडियो पे भी आप ऐसे वीडियो अटैच करके आप यहाँ क्वेश्चंस दे सकते हैं, और इसका मैं आंसर की सेट कर रहा हूँ, ये भी गाइडो एंड रोसम की है, और इसके लिए मैंने 0 पॉइंट ना देके इसके लिए 1 पॉइंट दे दिया। ऊपर मैंने पॉइंट दिए कि नहीं दिए हैं, 1 पॉइंट दिया हुआ है, इसके लिए 1 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, डन। अब देख लेते हैं ऊपर से क्वेश्चन के, एक आपका क्वेश्चन ये हो गया, आंसर की 1 पॉइंट, एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका मैंने पॉइंट नहीं दिया था, आंसर की पे फिर से जाऊंगा, पॉइंट दे दूंगा 1, डन। और इसके भी पॉइंट मैंने देख लेता हूँ दिया कि नहीं दिया, हाँ 1 पॉइंट दिया। ये मेरे 3 क्वेश्चंस हो गए। आप अलग अलग तरीके के इसमें मतलब अपने क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखा दिया इमेज कैसे डालते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपका फॉर्म तैयार हो गया, अब आपको जाना है वापस यहाँ से, बैक चले जाइए, ऑटो सेव हो जाता है ये, बैक चले जाइए, ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए आ गया आपका अनटाइटल्ड फॉर्म, इसका नाम आप चाहें तो बदल सकते हैं, आप इस पर क्लिक करिए तो आपको देखिए यहाँ पर दिख जाएगा अनटाइटल्ड फॉर्म है ये, इसका नाम आप यही रख दीजिए, नो थैंक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बैक जाइए, यहाँ सेंड से हम इसको कहीं किसी को भी मतलब इसको लिंक भेज देंगे, ये देखिए आपका ये पूरा तैयार हो गया। अब आप इसको क्या करना है कि ये किसी को आपको मेल करना है या व्हाट्सएप पे भेजना है इसकी लिंक, क्योंकि आपको बच्चों को तो शेयर करना पड़ेगा ये चीज़, तो आप इसको खोलिए और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दीजिए, चेक इट आउट, वी आर मेकिंग क्विज स्मार्टर, ठीक है, सेंड पे क्लिक करिए, ये अब आप इसमें वो सारी ईमेल्स दे दीजिए जहाँ पर आपको ये सेंड करनी है, ये आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए मैं इसको भेज देता हूँ python.kvs.gmail पर भेज देता हूँ सेंड, ये फॉर्म मेरे पास चला गया। अब मैं इसको यहाँ पर खोलकर आपको दिखा रहा हूँ मेरे जीमेल अकाउंट से, जीमेल खुल जाओ, ये तो वही वाला खुला हुआ है, पाइथन ट्रेंड्स को मैंने यहाँ से खोला, ये देखिए मैं मेरे पास क्विज आ गई, यानी कि बच्चों के पास ही क्विज पहुँच गई, बच्चा इस पर क्लिक करेगा, फिल आउट फॉर्म यहाँ पर ऐसे क्लिक करेगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड में आप अपना आंसर देना शुरू कर दीजिए, नेम इन कैपिटल, तो मान लीजिए मैं बेटे का नाम डाल देता हूँ शौर्यवीर सिंह, रोल नंबर 11, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए, ईमेल abc@gmail.com, ठीक है, ये मस्ट बी ए नंबर, मैंने वहाँ से गलत सेट किया था एक्चुअली, नंबर नहीं होना चाहिए, मैंने उधर एक सेटिंग भूल गया था, इसको मैं अभी सही कर दूंगा, इधर आप फिर भी फिलहाल नंबर डाल दीजिए क्योंकि नंबर ही लेगा, मैंने उधर सेटिंग करना भूल गया था, ये आप देखेंगे कि जो ये फील्ड था ईमेल वाला, इसको जब मैं एक्चुअली इसको नंबर सेट कर दिया था, ये इसको टेक्स्ट होना चाहिए था, ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया, वेरी सॉरी। और यहाँ से इसको फिर से सेव कर दें, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और बैक चले जाते हैं, लेकिन ये यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको ये दोबारा से भेजना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ABC, हाँ ये दोबारा से उसको भेजना पड़ेगा उधर से, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसमें अभी एक 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 डाल दे रहा हूँ, तो आप इस गलती को सुधार लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा इसको, नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट करने से मेरा सेक्शन आ जाएगा अगला टेस्ट वाला, तो हु डेवलप्ड पाइथन, तो मैंने यहाँ चेक किया 1 पॉइंट का है, बच्चा देख लेगा इसको, फिर मैंने स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, हालांकि आंसर यस था, लेकिन मैं इसको एक क्वेश्चन इसका मैं गलत कर देता हूँ, और इसका एक का आंसर ही सही कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा इसको, ये फॉर्म यहाँ से चला गया, अपने स्कोर देख सकते हैं आप,
यानी बच्चा अपना स्कोर देख सकता है, टोटल पॉइंट्स 2 out of 3, ये देखिए उसने अपना जो रिस्पांस दिया वो ये देखिए इस तरीके से उसको रिस्पांस दिख जाएगा, बच्चे को अपना रिस्पांस तुरंत के तुरंत दिख जाएगा और उसका यहाँ पर अपना इवेल्यूशन भी वो देख लेगा। अभी मैं फ़िलहाल इसको बंद कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ गूगल फॉर्म्स पर, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ आप रिस्पॉन्सेज में देखिए कितने रिस्पॉन्स आपको मिले, देखिए एक रिस्पॉन्स आपको मिला, यहाँ से गॉट इट कर दीजिए इसको, ये एक रिस्पॉन्स आपको मिला, वन रिस्पॉन्स, जिसकी समरी ये है, इसको 2 में से 3 नंबर मिले हैं, ठीक है, ये सब इसका उसने आंसर करके दे दिया, ये रिस्पॉन्स जो भी दिया है इस तरीके से, कि यहाँ सर ये भी एनालिसिस आपको मिल जाएगी कौन किस ऑप्शन को ज़्यादा चूज़ कर रहा है, कम चूज़ कर रहा है, अगर नंबर ऑफ आपके मीन्स रेस्पोंडेंट ज़्यादा हैं तब फिर आपको एनालिसिस ये अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको उसके एनालिसिस को अपने एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप उसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, क्रिएट, ये स्प्रेडशीट आपकी तैयार हो गई, ये देखिए इस तरीके से, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चन पेपर तैयार कर देना है, बाकी सब कुछ गूगल फॉर्म्स खुद कर देगा, आपका आपके लिए चेकिंग कर देगा, सब कुछ कर देगा, बस जहाँ पर आप पैराग्राफ टाइप का आंसर देंगे ना वहाँ आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप आंसर की जो सेट करेंगे फिर वो उससे एग्जैक्ट मैच करेगा और पैराग्राफ में एग्जैक्ट बच्चे आंसर नहीं देते हैं, वो तो अपनी भाषा लिखेंगे, आपने अपनी भाषा सेट कर रखी है, तो उसको आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा और उसके बाद उनको पॉइंट्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये था कि कैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू गूगल फॉर्म्स को बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग क्विज़ या टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे, किस तरीके से इनके रिस्पॉन्स को हम लोग वापस ले सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये गूगल फॉर्म को क्रिएट किया, गूगल क्विज़ को क्रिएट किया और बच्चों तक सेंड किया, उनसे वापस रिव्यू लिया, प्रैक्टिकली करके देखा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यही काम हम मोबाइल से कैसे करें, मोबाइल में मैं किसी ऐप को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि गूगल फॉर्म्स नाम से कोई ऐप नहीं है, मैं ट्राई कर रहा था, उसमें जो ऐप्स हैं वो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कि गूगल फॉर्म्स में हम लोग क्विज़ कैसे तैयार करें। तो अगली वीडियो की आप प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है संजीव भदौरिया,